नमस्कार, आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में, उसका मोड ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे रंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। रंकाइन साइकिल बेसिक फॉर्म है। इस बेसिक फॉर्म से ओनली थर्मल एफिशिएंसी 50 या 60 तक प्राप्त होती है, लेकिन थर्मल एफिशिएंसी हमको 86 तक लेके जाना है। जितना हीट दिया जा रहा है कोल के द्वारा, वो कोशिश की जाती है टोटल यूज हो पावर जनरेशन के लिए। इसके लिए एयर प्री हीटर का यूज होता है, इकोनोमाइजर का यूज होता है, प्राइमरी सुपर हीटर का यूज होता है, सेकेंडरी सुपर हीटर का यूज होता है, स्टीम के द्वारा एलपी हीटर का यूज होता है, एचपी हीटर का यूज होता है, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर का यूज होता है, सरफेस कंडेंसर का यूज होता है। तो ये सारा डिटेल आज हम आपको बताएंगे। दोस्त, ये आप जो फिगर देख रहे हैं, इसमें जो ग्रीन कलर का लाइन है, ये वाटर शो कर रहा है, मतलब वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, चाहे वो सैचुरेटेड फॉर्म में है। और जो ब्लू कलर का शो कर रहा है, ये बता रहा है कि सुपर हीटेड स्टीम है। डिटेल डिस्क्रिप्शन, चलिए स्टार्ट करते हैं। रंकाइन साइकिल 1, 2, 3, 4, तो जो प्रोसेस होता है 1 से 2, इंसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप, 2 से 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर, 3 से 4 होता है इंसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टर्बाइन, और 4 to 1 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। तो 1 से 2 प्रोसेस में बॉयलर फीड पंप के द्वारा वाटर को बॉयलर में भेजा जाता है एज ए सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में। यहाँ पर पंप द्वारा वर्क डन किया जाता है, बॉयलर में हीट का एडिशन होता है, यहाँ पर कोल और एयर साथ में मिल के बर्न होते हैं, यहाँ पर बॉयलर में हीट जनरेट होता है। जो भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड इनवेट सुपर हीटर हैं, वो हीट होती हैं, और जो वाटर है वो अपना फेज चेंज करके सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट होता है। सुपर हीटेड वेपर टरबाइन में जाती है, टरबाइन के ब्लेड से टकराती है, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्शन होता है, जिसके द्वारा टरबाइन द्वारा वर्क डन किया जाता है। टरबाइन ब्लेड मूव होता है, जिसके बाद गियरबॉक्स मूव होता है, गियरबॉक्स के बाद में इलेक्ट्रिक जनरेटर मूव करके 3-phase सप्लाई पावर जनरेट करती है। टरबाइन से डिस्चार्ज स्टीम अगेन कंडेंसेट होती है, उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और वो एयर कूल्ड कंडेंसर में जाती है या वाटर कूल्ड कंडेंसर में जाती है। एयर कूल्ड कंडेंसर में सेम प्रेशर पे ही स्टीम लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होती है, यहाँ अगेन फेज चेंज होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर ड्रॉप भी होता है। ये होता है टोटल प्रोसेस। अगर ग्राफ में हम देखते हैं टेम्परेचर और इंट्रोपी में जब हम वर्कआउट करते हैं, जो प्रोसेस 1 से 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं मोटर द्वारा वर्क डन किया गया है पंप द्वारा। 2 से 3 के बीच में हम हीट एडिशन दे रहे हैं बॉयलर में, 3 से 4 के बीच में आप देख सकते हैं टरबाइन द्वारा वर्क किया जाता है, और 4 से 1 के बीच में जो हीट यहाँ पर कंडेंसेट हो रही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि एफबीसी बॉयलर 30 मेगावाट प्लांट, जो कि डिजाइन है स्टीम फ्लो 115 टीपीएच के लिए, जो टेम्परेचर है टरबाइन में इनलेट होता है 515 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर करीब 86 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रोसेस इसके पहले जो हमने समझाया सेम वैसा ही है। आप देख सकते हैं हमने इसको मार्क किया है, ये पोजिशन नंबर 1, पोजिशन नंबर 2, पोजिशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4। तो थर्मल एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हीट का कैसे किया जाए, उसका उदाहरण इस प्लांट से हम आपको बताते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा मैं आपको एक एक इक्विपमेंट के बारे में डिस्क्राइब करता हूं। तो सबसे पहले आप देखते हैं 1 नंबर, यहाँ पर वाटर को डी एरिएटर से फीड किया जाता है बॉयलर फीड पंप में। तो डी एरिएटर में अजय स्टोरेज टैंक होता है, इसमें प्री जो वाटर होता है उसका प्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है करीब 150 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर करीब करीब 3-4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहता है। उसके बाद वाटर बॉयलर फीड पंप से होता हुआ एचपी हीटर में आता है। एचपी हीटर में आने से पहले आप देख सकते हैं जो वाटर का टेम्परेचर है 152 डिग्री, और प्रेशर 1.28 है। एचपी हीटर में जो वाटर का टेम्परेचर है उसको अगेन 50 डिग्री सेल्सियस तक इम्प्रूव कर लिया जाता है। जो स्टीम आता है वो टरबाइन से ही ब्लीड करके लिया जाता है 320 डिग्री सेल्सियस, और जो स्टीम का प्रेशर उस समय रहता है करीब 1680 है। तो
एचपी हीटर के बाद में जो प्रेशर है करीब 100 एटीए है और जो वाटर का टेम्परेचर है आप देख सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है एचपी हीटर के बाद में। उसके बाद वाटर जाता है इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर में जो बॉयलर का फ्लू गैसेस है उसके द्वारा सेंसिबल हीटिंग होती है। सेंसिबल हीटिंग मतलब वाटर का फेज चेंज नहीं होगा, वाटर है तो लिक्विड के रूप में है तो लिक्विड के रूप में ही है, जस्ट उसका टेम्परेचर इंप्रूव करेगा। इकोनोमाइजर के बाद करीब वाटर का टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उसके बाद वाटर जाता है स्टीम ड्रम में, स्टीम ड्रम का हाफ पोर्शन वाटर से फिलअप रहता है और हाफ पोर्शन स्टीम से फिलअप होता है। स्टीम ड्रम के बाद में वाटर डाउन कमर डक्ट के द्वारा बॉयलर में कनेक्टेड वर्टिकल ट्यूब से होता हुआ अगेन रिंग हेडर में आता है, रिंग हेडर से होता हुआ अगेन स्टीम ड्रम में आता है, फिर स्टीम ड्रम से वाटर प्राइमरी सुपर हीटर में आता है। अब यहाँ पर लेटेंट हीटिंग हो रही है, मतलब वाटर का फेज चेंज होके वेपर के रूप में आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो प्राइमरी सुपर हीटर में करीब वेपर का टेम्परेचर 385 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उसके बाद प्राइमरी सुपर हीटर के बाद सेकेंडरी सुपर हीटर में आता है, सेकेंडरी सुपर हीटर में स्टीम का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। उसके बाद अगेन स्टीम इनबिल्ट सुपर हीटर में आता है जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है एज डिजाइन टेम्परेचर ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर करीब 510 डिग्री सेल्सियस तक अचीव हो जाता है और प्रेशर करीब 87-88। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम टर्बाइन में जाती है, टर्बाइन मूव करता है, गेयरबॉक्स को मूव कराता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा थ्री फेज सप्लाई प्राप्त किया जाता है। टर्बाइन का डिस्चार्ज डक्ट आप देख सकते हैं, ये डक्ट करीब 1.5 मीटर डाया का अप्रोक्स होता है। यहाँ पर सडन प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होता है, वो एयर कूल्ड कंडेंसर में आती है। यहाँ पर बड़े बड़े 6 नंबर फैंस लगे होते हैं एज पर प्लांट डिजाइन। तो यहाँ पर जो एक फैन है उसकी कैपेसिटी 18.5 लाख मीटर क्यूब पर आवर का 6 नंबर फैन लगा हुआ है। बॉटम से एयर को सक करके फिन्स के द्वारा बाहर डिस्चार्ज होता है, जिससे जो ट्यूब में वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के रूप में और उसका टेम्परेचर ड्रॉप होके कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में कलेक्ट हो जाता है। अगेन कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगे होते हैं, इस पंप के द्वारा वाटर को सरफेस कंडेंसर इजेक्टर में भेजा जाता है। अब इसका मेन पर्पज यही है कि डी एरिएटर से पहले जो कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में वाटर है उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हम इम्प्रूव कर सकें, तो सरफेस कंडेंसर इजेक्टर में यही मेन स्टीम लाइन से ही स्टीम को लिया जाता है, सरफेस कंडेंसर में भेजा जाता है। यहाँ पर वाटर को करीब 5-7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसको और बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जाता है ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में, टर्बाइन के इनलेट फ्रंट या रियर मोमेंट पोर्शन पे ग्लैंड सीलिंग के लिए, जैसे इनसाइड का स्टीम रिटेन रहे उससे लीकेजेज ना हो, इसलिए ग्लैंड स्टीम दिया जाता है फ्रंट और रियर में। वो स्टीम इन्वायरमेंट में बाहर ना हो उसका भी यूटिलाइजेशन किया जाए, इसके लिए उस स्टीम को अगेन ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में यूज किया जाता है। ये करीब 280 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और उसका जो प्रेशर है 1.0 एटीए तक रहता है। ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर और इम्प्रूव हो जाता है। फिर ग्लैंड स्टीम कंडेंसर के बाद वाटर जाता है एलपी हीटर में, एलपी हीटर में आप देख सकते हैं जो उसका सरफेस एरिया है करीब 118 मीटर स्क्वायर तक होता है, और एलपी हीटर में भी जो टर्बाइन से ब्लीड लेके स्टीम को लिया जाता है 114 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, उसका प्रेशर 1.5 एटीए तक होता है, वो एलपी हीटर में आता है। वाटर और स्टीम का आपस में हीट ट्रांसफर होता है और वाटर अगेन डी एरिएटर में जाता है। डी एरिएटर का मेन फंक्शन ये होता है कि जैसे कोई भी अगर वाटर में ऑक्सीजन मात्रा होती है O2 जो कि ट्रेसेस मात्रा में होती है, अनडिजॉल्व O2 होती है, उसको वाटर से रिमूव कर लिया जाता है, वो फर्दर जाके कोरोजन और स्केलिंग फॉर्मेशन के लिए सहायक होती है, तो उसको डी एरिएटर में निकाल लिया जाता है। सर्किट में ड्यू टू लॉसेस जो भी वाटर घट रही है उसको मेकअप वाटर के द्वारा अगेन डी एरिएटर में फीड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाटर लाइन है वो ग्रीन कलर का है, जो वेपर है वो ब्लू कलर का, हमने कोशिश किया है आपको इजिली समझाने के लिए उस सारा
ब्लू कलर में है। अब हम बात करते हैं बॉयलर की, तो बॉयलर में कोल की फीडिंग होती है। करीब -6 mm से बिलो तक का साइज का कोल बॉयलर में फीड किया जाता है। यहाँ पर पीए फैन लगा हुआ है। पीए फैन का जो सक्शन लाइन है वो एफडी फैन से कनेक्ट होता है और हाई प्रेशर के साथ में कोल को बॉयलर में फीड करता है फॉर बर्निंग पर्पज के लिए। बॉयलर में फ्लू गैस का पाथ सेकेंडरी सुपर हीटर से होता हुआ, प्राइमरी सुपर हीटर से होता हुआ, इकोनोमाइजर से होता हुआ, एयर प्री हीटर से जाता हुआ ESP में जाता है, फिर ESP से चिमनी में निकल जाता है। तो मैक्सिमम फ्लू गैसेस का टेम्परेचर को यूटिलाइज किया जाए उसके लिए इकोनोमाइजर लगाए गए हैं, एयर प्री हीटर लगाया गया है, जिससे मैक्सिमम हीट यूज किया जा सकता है। एयर प्री हीटर में कनेक्ट होता है एफडी फैन। एफडी फैन एनवायरनमेंट से फ्रोस्ट ड्राफ्ट फैन एनवायरनमेंट से एयर को लेता है और एयर प्री हीटर में पास करता है। एयर प्री हीटर में वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं। इनसाइड में तो फ्लू गैसेस जा रही हैं जो ESP में चली जाती हैं और आउटसाइड में एफडी फैन का कोल्ड एयर रहता है। वो जो फ्लू हॉट गैसेस हैं वो करीब 300-250 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है, वो एयर प्री हीटर से के ट्यूब से हीट ट्रांसफर होता है और जो एफडी फैन का डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर करीब 180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और ये 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एफडी ये फ्लूडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जो फ्लूडाइजेशन के लिए एयर दिया जाता है नोजल में वो ऑलरेडी 180 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है और वो हेल्प भी करता है बर्निंग के लिए। जो इकोनोमाइजर से फ्लाई ऐश डिस्चार्ज होता है, एयर प्रीटर से डिस्चार्ज होता है और ESP से डिस्चार्ज होता है, उसको डेंस फेस सिस्टम के द्वारा होपर में फीड कर लिया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। हमारा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।